हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू। आई एम आलोक सर। देखिए, इस वीडियो लेक्चर्स में हमें बेटा लिम्फ नोड के बारे में, लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में समझना है। ठीक है, लिम्फैटिक सिस्टम होते क्या है और क्या काम होते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन तो कुछ बता दिया गया है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट क्लीन फ्लूड बैक टू ब्लड। ठीक है, ड्रेन एक्सेस फ्लूड फ्रॉम द टिश्यू एंड रिमूव डेरिस फ्रॉम द सेल ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लिम्फैटिक सिस्टम के काम होते हैं। ठीक है, तो जो लिम्फैटिक सिस्टम है बेटा, ठीक है, जो हम क्या बात कर रहे हैं, लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, लिम्फैटिक सिस्टम। ओके, लिम्फैटिक सिस्टम द कैपिलरी आर नॉट ओनली रूट बाय विच द टिश्यू फ्लूड रिटर्न टू सर्कुलेशन। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि लिम्फैटिक सिस्टम मतलब लिम्फ इज अनदर सर्कुलेशन। जो लिम्फ है वो अंदर सर्कुलेशन, लिम्फ इज अ फ्लूड, लिम्फ क्या है, फ्लूड है जो ब्लड के अलावा एक हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो सर्कुलेटरी फ्लूड है दैट प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक वेसल। कहाँ पाया जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में एंड लिम्फ ग्लैंड। कहाँ मिलेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स में मिलेंगे और लिम्फ ग्लैंड में मिलेंगे। ठीक है, ओके। सो जो लिम्फ इज किस कलर के होते हैं, तो दे आर येल्लो, लाइट येल्लो फ्लूड। इनका जो कलर होता है बेटा वो लाइट येल्लो फ्लूड होता है। इट इज अ लाइट येल्लो फ्लूड, ओके, एंड विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ लिम्फैटिक सेल। जिसमें क्या भरा पड़ा है, लिम्फैटिक सेल्स होते हैं, लिम्फोसिस्ट सेल्स। लिम्फोसिस्ट अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीस होता है, इनको डब्ल्यूबीसी ही बोलता है। ठीक है, लिम्फ फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, अगर इनको देखा जाए तो सिर्फ वन डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। वो डायरेक्शन क्या है, तो ये टिश्यू से हार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी और चीजें जाननी है कि व्हाट इज अ लिम्फ, लिम्फ को हम कैसे डिफाइन करें, तो आप बोल सकते हो द लाइट येल्लो, द लाइट येल्लो फ्लूड इन द लिम्फैटिक वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इट फ्लो ओनली वन डायरेक्शन मतलब टिश्यू से हार्ट की तरफ ये सिर्फ मूव करता है। ठीक है, और द लिम्फ इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ दिस। ये लिम्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ की अगर अकरेंस देखा जाए, इट अकर आउटसाइड ऑफ द सेल। ये सेल के बाहर मिलता है बेटा, इट अकर आउटसाइड ऑफ द सेल, ये सेल के बाहर मिलता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड बोलते हैं। इसलिए इसको नाम दिया गया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। ठीक है, कंपोजिशन इज सिमिलर प्लाज्मा बट कंटेन लेस प्रोटीन। इसमें सिर्फ प्लाज्मा होता है, ठीक है, और प्रोटीन की संख्या कम होती है, लेस होती है। ठीक है, ये कंपोजिशन हो गया लिम्फ का। लिम्फोसाइट कंटेन टाइप ऑफ व्हाइट सेल, इसलिए इसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो जो नोड्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, वो लिम्फ ग्लैंड एंड फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन से अगेंस्ट काम करता है। तो जो वेरियस टाइप के पॉइंट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे, जहां जहां वेरियस टाइप के, जैसे यहाँ पे नोड दिखाया गया कि ये नोड क्या होता है, तो जहां जहां पे पॉइंट्स देखेंगे आपको, तो वेरियस पॉइंट अलोंग द लिम्फ वेसल्स आर लिम्फ नोड। दीज लिम्फ नोड एंड दीज नोड्स एंटीबॉडी एंड न्यू वाइट ब्लड का प्रोडक्शन करता है। जो डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है, तो लिम्फ नोड एंटीबॉडी का एंड वेरियस टाइप के, यहाँ बोल दोगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंड डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कौन करता है, लिम्फ नोड करता है। ठीक है, स्टेशनरी व्हाइट सेल। स्प्लीन की अगर बात करें, यहाँ पे लीवर के जस्ट ऊपर जो स्प्लीन दिखाया गया है, स्प्लीन क्या होता है, अ लार्ज लिम्फैटिक ऑर्गन, इट इज अ लार्ज इम्फैटिक ऑर्गन अबाउट साइज इज क्लीन फिस्ट।
हार्ट की तरह। इसकी भी साइज क्या है, क्लिंच्ड फिस्ट की है, और इसकी जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर की। इट इज अ लुक लाइक रेडिश ब्राउन इन कलर, फाउंड इन एब्डोमेन बिहाइंड द आवर स्टमक। ये स्टमक के जस्ट पीछे होता है, बट अबव द किडनी, और किडनी के ऊपर होता है। व्हाट आई एम से यू कैन आल्सो मेंशन हियर, जस्ट मिनट। ओके, देखिए ये जो स्प्लीन है बेटा, इसके बारे में आप बता सकते हो कि इट इज अ लार्ज लिम्फैटिक ऑर्गन। ये लिम्फैटिक ऑर्गन है। ओके, अबाउट एंड इसकी साइज जो है, व्हाट इज द साइज ऑफ स्प्लीन, तो क्लींस्ड फिस्ट। इसकी साइज जो है कैसी है, क्लींस्ड फिस्ट की है, और जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर का है। व्हाट इज द कलर, रेडिश ब्राउन। ओके, एंड लोकेशन कहाँ है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस स्प्लीन, इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, इन द एब्डोमेन बिहाइंड आवर स्टमक, बट एबव द किडनी। लेकिन किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। ओके, स्प्लीन वन टाइम इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन है, जो क्या क्या प्रोड्यूस करता है। लिम्फ स्प्लीन जो है, इट प्रोड्यूस, स्प्लीन की अगर बात करें, स्प्लीन की अगर फंक्शन की बात करें, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लीन, तो ये जो है ये प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, इट प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। सेकेंड पॉइंट, इट रिलीज एंड स्टोर ब्लड, इट रिलीज द स्टोर्ड ब्लड। क्या करता है, रिलीज द स्टोर ब्लड, ठीक है, इनटू द ब्लड। कहाँ पे, इनटू द ब्लड, ब्लड में, ठीक है, सम ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी, दैट अ ब्लड रिसीवर के फॉर्म में, ठीक है। एंड इन फिटस एम्ब्रियो में प्रोड्यूस एम्ब्रियो और इरिथ्रोसाइट, ये जब फिटस होता है तो इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट बनाता है। लीवर डिस्ट्रॉय वॉर्न एंड आउट, लीवर का जब लीवर घिस पिस जाता है तो उस समय भी उसकी रिकवरी ये करता रहता है, WBC का। ओके, आफ्टर दैट हम बात करेंगे बेटा लिम्फ के फंक्शन, आपको समझ में आए, ठीक है। तो ब्लड, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लड, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम ब्लड और लिम्फ का बातें कर लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ, ब्लड एंड लिम्फ में क्या अंतर होते हैं समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड्स होते हैं वो रेड कलर, जनरली जो ब्लड का कलर है, ठीक है, ब्लड जो है और जो लिम्फ है, दो तरह के हैं, ब्लड एंड लिम्फ। पहला आते हैं, इट रेड कलर, कलर के, अगर कलर के बेस पे देखें तो ये कैसा है, रेड है, ठीक है, और ये कैसा है, येलो है। वहीं सेकंड पॉइंट देखें तो ब्लड फ्लो स्टार्ट फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑल बॉडी एंड अगेन हार्ट तक आता है। लिम्फ कहां से स्टार्ट होता है, तो लिम्फ स्टार्ट फ्रॉम टिश्यू, ये टिश्यू से स्टार्ट होता है एंड कहां तक जाता है, एंड आफ्टर फॉलोइंग थ्रू द लिम्फ कैपिलरी एंड लिम्फेटिक वेसल, कहां
कहाँ कहाँ जाएगा? लिम्फ में जाएगा, लिम्फ में जाएगा, फिर कैपिलरी एंड लिम्फैटिक बेसन। लिम्फैटिक बेसन ओके, एंटर इनटू द ब्लड। इट कंटेन मोर, जो ये ब्लड होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन प्लस कैल्शियम ठीक है प्लस फास्फोरस के बने होते हैं। वहीं इनकी बात करें तो ये इनमें प्रोटीन की संख्या कम होती है ठीक है, जो कैल्शियम है इनकी भी संख्या कम है एंड फास्फोरस की भी संख्या कम होती है, मतलब ये कम न्यूट्रिएंट्स के इनके बने होते हैं ठीक है। इट कंटेन डब्ल्यूबीसी आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स है ठीक है, जो ब्लड है मैक्सिमम आरबीसी से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, हेंस रेड इन कलर, और ये जो होते हैं डब्ल्यूबीसी से बने होते हैं जो व्हाइट कलर, मतलब इसमें कलर प्रेजेंट होता ही नहीं है ठीक है। प्लेटलेट्स, इसमें जो ब्लड है इनमें प्लेटलेट्स अवेलेबल होगा, प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट, इसमें क्या होगा प्लेटलेट्स आर अब्सेंट, इसमें प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है। जो ब्लड फ्लो करेगी इसमें रैपिडली करेगी और इसमें फ्लो करेगा स्लोली, तो आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें बेटा तो ब्लड ग्रुप में बस आप इतना समझना, आपको ज्यादा सिलेबस में है नहीं तो थोड़ा सा आइडिया मैं दे दे रहा हूँ कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं ठीक है। तो ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप, तो आप इतना जानो कि कितने तरह के ब्लड होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, चार तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं ठीक है। ए बी के पास एंटीजन और एंटीबॉडी, तो देखो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन है वो ए है और एंटीबॉडी बी है राइट। जो ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन क्या है बी एंड एंटीबॉडी क्या है ए ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी के पास कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन इसमें ए एंड बी दोनों होगा और एंटीबॉडी कोई नहीं होगा ठीक है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है इसमें कोई, ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी इसमें बोथ एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों मिलेंगे ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि देयर आर फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, ए में एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी बी होती है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए हो जाता है, उसी का अपोजिट हो जाता है राइट। तो ये ध्यान देना, ए का एंटीजन ए, बी का एंटीजन बी, ए का एंटीबॉडी अपोजिट बी एंड बी का एंटीबॉडी ए, लेकिन ए बी में ए एंड बी दोनों एंटीजन मिलेंगे कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, और ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं मिलेगा ए एंड बी एंटीबॉडी मिलती है ठीक है, इतना आपको याद रखना। आफ्टर दैट हम लोग ब्लड की बात करेंगे ठीक है, ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है कि ब्लड क्या होते हैं ठीक है, फ्लूड सब्सटेंस है कि क्या है, और ब्लड के टाइप्स के भी बारे में हम डीपली बात करेंगे। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू ठीक है, जिसे कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़े भी हैं टिश्यू चैप्टर क्लास 9 में, तो उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया ब्लड के बारे में ओके। सो लेट्स डू स्टार्ट। तो सबसे पहले आप द ब्लड हेडिंग ला लीजिए। ब्लड इज कनेक्ट, आप क्या बताओगे, द ब्लड इज कनेक्ट, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एंड इज द लिक्विड मीडियम थ्रू विच ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, इज ब्रॉट अबाउट विच ट्रांसपोर्ट मटेरियल। तो ब्लड क्या है, आप बोल सकते हो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करता हो
एंड इज द लिक्विड मीडियम, ये लिक्विड फॉर्म में होता है थ्रू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, जिसकी वजह से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ठीक है, तो इन लिविंग बीइंग में ब्लड जो होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं हार्ट से आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में, वेन्स फिर उसे कैरी करके हार्ट तक ले आती है, आपने पूरा सिस्टम समझा। तो एडल्ट ह्यूमन में कितने ब्लड्स होते हैं, अगर अमाउंट ऑफ ब्लड की बात करें, ठीक है, इन एडल्ट ह्यूमन, इन एडल्ट ह्यूमन में तो कितने हो जाएंगे, 5 to 6 लीटर होते हैं, 5 to 6 लीटर इन ह्यूमन। और वहीं वुमेन्स की बात करें तो बेटा आपका 4 to 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि अबाउट 7 to 8% पूरे बॉडी का वेट होता है, ये जो है वो 7 to 8% ये पूरे बॉडी वेट है, क्या है, ऑफ द बॉडी वेट, ऑफ द बॉडी वेट, ये पूरे बॉडी का 7 to 8% ब्लड जो है वो बॉडी वेट का हो जाता है। ठीक है, अगर टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट कैसा होगा, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द ब्लड, तो ये ब्लड का जो टेस्ट है वो हल्का सा क्या है, साल्टी होता है, क्या होता है, साल्टी, इसका टेस्ट कैसा होगा, साल्टी टेस्ट होगा, राइट, साल्टिस। एंड जो पीएच की अगर बात करें, ब्लड का पीएच 7.3 to 7.45 होता है। ठीक है, एंड आर्टरी ब्राइट रेड कलर की होती है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो वेन्स होता है वो क्या होता है, वो डार्क रेड कलर का हो जाता है। जो ब्राइट कलर रेड की कौन सी है, आर्टरी, आर्टरी में ब्लड की कलर क्या होगी, ब्राइट कलर, ब्राइट रेड कलर होगा। ठीक है, ब्राइट रेड कलर। और जो वेन्स है इसमें इसमें आप क्या बताओगे, डार्क, डार्क रेड कलर होंगे। इसके बाद हमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करें, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या कंपोजिशन होता है। तो ब्लड में आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या मिला होता है, पहला तो फ्लूड है तो डेफिनेटली वाटर तो होगा ही, प्रोटीन होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे एंड अदर सब कॉन्टी अदर सब ने सब सब्सटेंस भी डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल दो कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड तो क्या क्या कंपोजिशन है ब्लड के, प्लाज्मा, देखो द ब्लड कंटेन थ्री डिफरेंट काइंड, जो ब्लड बना है वो थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है। ठीक है, थ्री तरह के सेल से मिला है, या इसको सेल को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्पल्स। ये कौन कौन से थ्री टाइप के हैं ब्लड के, तो पहला हो जाएगा बेटा आपका प्लाज्मा, फिर इसमें आएगा क्या आ जाएगा, प्लाज्मा हो गया, एंड ब्लड एलिमेंट में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ल्यूकोसाइट्स ये आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड कंस्टिट्यूट है वो थ्री डिफरेंट काइंड है, कौन कौन से, लिक्विड मैट्रिक्स को इसमें क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, तो प्लाज्मा हो गया, ठीक है, रेड ब्लड सीरम हो गया एंड ब्लड सेल्स हो गया, एक आएगा सीरम एंड और थर्ड आ जाएगा ब्लड सेल। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है और सीरम है, देखिए प्लाज्मा जो है येल्लो कलर के होते हैं, येल्लो पेल येल्लो कलर का होता है, अल्कलाइन लिक्विड होता है, तो प्लाज्मा को हम एक्सप्लेन करते हैं आपके। ठीक है, तो जो जस्ट मिनट, हाँ जो प्लाज्मा है इसका क्या कलर है, तो कलर जो कलर होगा इसका पेल येल्लो कलर होगा। ठीक है, कलर अल्कलाइन लिक्विड है, कैसा लिक्विड है, ये अल्कलाइन लिक्विड है। ठीक है, विच फॉर्म 55% ऑफ टोटल ब्लड, जो किसका बना होता है, टोटल 55% ऑफ द ब्लड का बना होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज की बात करें तो वाटर जो होगा वो 90 से लेकर के 92% होगा। ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो ये 7 से 8% होता है इसमें, इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें
साल्ट की बात करें तो 1% होंगे, एंड अदर सब कॉन्टिनेंट्स की बात करें कि तो ट्रेस हो जाएगा, ट्रेसेस। ओके, एंड वहीं अगर हम सीरम की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा आल्सो कंटेन सेवरल साल्ट, ठीक है, इसमें साल्ट पाया जा रहा है, एंड जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैट है, एंजाइम है, हार्मोन है, एंटीबॉडी है, एंड डिस्ट्रॉय द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द फूड। वहीं अगर हम सीरम की बात करेंगे बेटा, तो सीरम जो है इसमें बस इतना जानना है कि जो सीरम होता है ये सीरम इज ब्लड प्लाज्मा, ये भी एक तरह का ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा विच फॉर, इसमें क्या होगा, फाइब्रोनोजन होगा, विच फाइब्रोनोजन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, फाइब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, एंड रिमूव द येल्लो कलर ऑफ फ्लूड, और ये येलो कलर फ्लूड को रिमूव कर देता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बेटा ब्लड सेल्स के बारे में बात कर लेंगे, जो हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड है 45% टोटल ब्लड वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, और ये तीन तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इनका हम साइंटिफिक नेम और इनके बारे में थोड़ा डीपली डिबेट कर लेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग, अगर कोई आपको चीजें डाउट हो, ना समझ में आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में करें, दोबारा उसको इम्प्रूव किया जाएगा और आप तक चीजों को, डाउट को क्लियर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।